Hey everyone, this is me, Tosi Anha. I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel, Beautification by Anha. तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने मेकअप के बारे में। मैं आज कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं अपने मेकअप के किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारे मेकअप के टूल्स के बारे में, जिसको हम अपने मेकअप करने में यूज करते हैं, लाइक हमारे ब्रशेस, हमारे स्पंज, हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड बहुत सारे ऐसे टूल्स जो होते हैं जो हमारे ऑल ओवर मेकअप में हमारे यूज किए जाते हैं, चाहे हमारे आईब्रोज के सेटिंग के लिए हो, हमारे आई शेडो ब्रश हो, स्पंज हो, ब्यूटी ब्लेंडर हो, या फिर हमारे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे मेकअप की वैनिटी में होते हैं। लेकिन क्या हम कभी उसको क्लीन करते हैं? क्या हमने कभी उसको वॉश किया है? क्या हम उसके हाइजीन का ख्याल रखते हैं? क्या हम उसके हाइजीन के बारे में बात करते हैं? या कभी आप लोगों ने उसके हाइजीन के बारे में सोचा है? मोस्टली पीपल इसको वॉश करने की नहीं सोचते हैं, ना ही इसकी क्लीन के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं हम इसे आपस में शेयर नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ हम ही यूज करते हैं। आई डोंट थिंक कि हमें इसको वॉश करने की, इसको क्लीन करने की कोई नीड है, क्योंकि हम इसको आपस में शेयर करते ही नहीं है। लेकिन नहीं, हम इसको अगर खुद भी पर्सनल यूज कर रहे हैं तो भी हमें इसको क्लीन करने की बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे स्किन के सेल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बारीक हमारे पार्टिकल्स झड़ते हैं जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स, हमारे ब्रशेस में लग जाते हैं। हमारे एनवायरमेंट के साथ मिलकर वो हमारे बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम अपने मेकअप करते हैं तो वो हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम अगर बहुत ही डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर्स ब्रशेस यूज करते हैं अपने मेकअप में और अगेन एंड अगेन उसे यूज करते रहते हैं बिना वॉश किए, बिना क्लीन किए, हम उसे एज इट इज रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से यूज कर लेते हैं, तो उसका बहुत ही ज्यादा आप लोगों को नुकसान हो सकता है। लाइक हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा एलर्जी, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। अक्सर लोगों को होता भी होगा, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि ये शायद मुझे मेकअप की वजह से हो रहा है या फिर कोई मेकअप का प्रोडक्ट मुझे सूट नहीं करा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मेकअप टूल्स ही क्लीन नहीं है, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ कि हमको अपने टूल्स को कैसे क्लीन करना है। बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से हम इसको हर अपने घर पे ही अपने हाथ से खुद क्लीन कर सकते हैं। हमें कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर, हमें कोई भी ब्रश, हमें इसको फेंकने की जरूरत नहीं होती है। गंदा होने के बाद हम इसको ईजिली घर पे अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि हम इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और कितनी जल्दी, कितनी आसानी से ये क्लीन हो जाएंगे। सो गाइस, हमें अपने ब्रशेस, मेकअप टूल्स, स्पॉन्ज, इन सभी चीजों को वीक में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए। वीक में एक बार अगर टाइम नहीं मिलता है आप लोगों को और आप इतना ज्यादा यूज नहीं भी करते हो उसे, तो भी आप लोग एटलीस्ट उसे मंथली जरूर क्लीन करिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि किसने आज तक अपने ब्रशेस को क्लीन किया है और किसने आज तक क्लीन ही नहीं किया है और कौन कौन मंथली इस चीज को फॉलो करता है। तो मुझे वीक में तो टाइम नहीं लगता है और मुझे इतनी नीड भी नहीं होती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेकअप ब्रशेस और टूल्स यूज नहीं करती हूँ, तो मैं मंथली एटलीस्ट इसको क्लीन जरूर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मेकअप टूल्स को, ब्रशेस, स्पंज एंड ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन करती हूँ। तो चलो देखते हैं। एंड यस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है प्लीज उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब मैंने कलेक्ट कर लिए हैं अपने ऑल डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर्स, ब्रशेस एंड स्पंज। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा डर्टी हैं और आज मैं इन लोगों को आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगी कि कितना इजी तरीके से हम इसको घर में क्लीन कर सकते हैं। मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और इसके हमें वॉश करने के लिए अब हम लेंगे एक कंटेनर और कंटेनर में डालेंगे हम वॉर्म वाटर। वॉर्म वाटर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी शैम्पू, चाहे वो आपको कोई बेबी शैम्पू ले सकते हैं या जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और अगर उस टाइम आपके पास शैम्पू अवेलेबल नहीं हो तो आप इसके लिए डिश वॉशर ले सकते हैं, कोई भी डिश वॉशर आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छे से हमारे ब्रशेस क्लीन हो जाएं और सारे ब्रशेस को अच्छे से आपके जो भी इसके ब्रशेस होंगे आप देखिए इसमें ध्यान रखिए कि वो सारे डिप होने चाहिए। और एक कंटेनर में हम ले लेंगे अपने वॉर्म वाटर अगेन, जिसमें हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड स्पंज को डिप कर देंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर इसलिए जिससे हमारे ब्रशेस के ब्रशेस और ज़्यादा सॉफ्ट रहें और इनकी शेप बिल्कुल ख़राब ना रहे हो। तो हम इसको कुछ देर के लिए डिप कर देंगे इसमें, एटलीस्ट हमको इसको 15 से 20 मिनट्स तक ऐसे ही डिप करके छोड़ देना है।
जिससे ये बहुत ही अच्छे से इनकी डर्ट और इम्प्योरिटीज बाहर आ जाए और थोड़ा थोड़ी देर में इनको हमें शेक करते रहना है। आप देखिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कूल नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कूल होगा तो हमारे ब्रशेस अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएंगे, उनका जो उनमें एक्सेस मेकअप लगा हुआ है, एक्सेस प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हॉट वाटर होगा तो उससे हमारे ब्रशेस ख़राब हो सकते हैं, इनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो हमें इतना वाटर यूज़ करना है गर्म जितना हम अपने स्किन पे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमने इसको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा हुआ है कि पानी हमारा पूरा फाउंडेशन के कलर का हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। मैंने इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद आप लोगों को ले लेना है ये टूल, जो आपको इजीली आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। ये स्पेशली हमारे ब्रशेस क्लीन करने के लिए ही बना है। ये सिंथेटिक हमारे ब्रश क्लीनर है, इसको हमें ले लेना है और वन बाय वन हमें अपने ब्रशेस को इसको अच्छे से इसके ऊपर रब करना है और जो भी हमारा ब्रशेस में एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्ट लगा होगा वो बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से इसमें क्लीन हो जाएगा इसकी हेल्प से। और हमें बहुत ही वन बाय वन सारे ब्रशेस को मैंने देख सकते हैं आप मैंने क्लीन कर लिया है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें अपने ब्रशेस को क्लीन करना चाहिए। ध्यान रहे कि हमारे ब्रशेस के ब्रशेस बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए, उल्टे पुल्टे नहीं करके धोने हैं। बहुत ही ईजिली जिस शेप में आपके ब्रशेस हैं उसी शेप में आपको वॉश करना है इनको। बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। और देखिए इनमें कैसा वाटर इनका, देखिए आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया है इनका वाटर। आप देखिए कितना ज़्यादा इसमें से प्रोडक्ट बाहर आया है। और मैं अब ये सारी चीज़ों को टूल्स को निकाल के एक दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें मैंने साफ पानी लिया है और वो भी अगेन हल्का सा वार्म वाटर है, तो मैंने उसमें डिप कर दिया है और उसमें से निकाल के मैं अगेन अब दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे ब्रश को कलेक्ट करके वन बाय वन एक बार साफ पानी से अगेन इनको वॉश करके दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको टैप के नीचे बहुत ही अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ जिससे इसमें सारा प्रोडक्ट भी निकल जाएगा और तो इसमें जो भी हमारा ये शैम्पू वगैरह ऐड हुआ था जो उसमें लगा है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाना चाहिए। इतने पानी से आपको बहुत ही अच्छे से इनको वॉश करना है। बहुत ही अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको एक कोई भी ड्राई टॉवल ले लेनी है जो बिल्कुल ही क्लीन होनी चाहिए, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे ब्रशेस में कोई बैक्टीरिया ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। और उसके बाद डैप डैप करके इनको सारे ब्रशेस को आपको सुखा लेना है और इनको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है उसी टॉवल पे रख कर। आप देखेंगे कि इनको हमें पूरी रात के लिए छोड़ना पड़ेगा और हमें कोई भी इसके लिए इसको सुखाने के लिए हमें ड्रायर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप लोग इसे कभी यूज़ करिएगा। उससे हमारे ब्रशेस की शेप ख़राब हो जाती है, इसके ब्रशेस ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ देना है पंखे की हवा में। हमारे ये इजीली बहुत ही आसानी से ये अपने आप ही ड्राई हो जाएंगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग देखिएगा कि आप कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और क्लीन और हमारे ये बैक्टीरिया फ्री हमारे ये टूल्स मिलेंगे आपको। सो गाइस, मैंने ओवरनाइट अपने ब्रशेस को ड्राई होने के लिए पंखे की हवा में ही छोड़ दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग देख सकते हैं कि ये सारे ब्रशेस बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गए हैं, इनके ब्रशेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन एकदम ये लग रहे हैं देखिए। और बिल्कुल एक एक इनके पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं, इसमें कोई भी वाटर या फिर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट अब नहीं है जिसे हम बहुत ही ईजिली अब अपने मेकअप को इनसे कर सकते हैं। ये था बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जिसको अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड यस, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड उसके पास जो बेल आइकन है प्लीज उसको प्रेस जरूर करिएगा। एंड मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।